वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? हसीन सा मौसम, हसीन सी शाम, हसीन सी वीडियो लेके मैं आप सबके सामने आ गई हूँ फिर से। आज की शाम जनाब आप सबके नाम। आज की शाम होने वाली है बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की। हम लोग करेंगे जंपिंग, बाउंसिंग और पता नहीं क्या क्या। तो चलते हैं, आइए चलते हैं मेरे साथ अंदर। और बच्चों के साथ हम आए हैं जनाब। ये कहाँ पे? अलकोज में है बाउंसिंग वाला। और यहाँ पे जनाब आपको अमेजिंग चीज़ें मिलने वाली हैं अंदर जाके। बच्चों के एंटरटेनमेंट, बच्चों की एक्साइटमेंट तो आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या बच्चों ने जनाब ख्वाब सोचे होते हैं। जैसे कि इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना, बच्चे ख्वाब सोचने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों ने जनाब पहले से ही मूड बना लिया था कि चलते हैं जनाब आज हम यहाँ पे, क्योंकि बाबा ने दिया था अली मुहदीस को बर्थडे की ट्रीट। और क्योंकि 2-3 दफ़ा बच्चे लेते हैं, पता नहीं क्यों उनको मेरी तरह क्या मसला है। मैं भी अपनी बर्थडे की ट्रीट ना, और एनिवर्सरी की, और इस तरह की ना बहुत बहुत इस तरह की डेट्स होती हैं जो कि मैं हर ट्रीट को 2 या 3 दफ़ा जो है ना वो लेती हूँ। तो जैसे कि मेरी कोई बर्थडे आने वाली है तो मैं पहले प्री बर्थडे ट्रीट लेती हूँ, उसके बाद बर्थडे लेती हूँ बर्थडे के साथ, उसके बाद आफ्टर बर्थडे जो ट्रीट होती है वो भी लेती हूँ। तो मतलब 3-4 दफ़ा तो मतलब कहीं नहीं गया। तो ऐसे ही है मेरे बच्चों के साथ भी। बच्चों ने भी देखा माँ तो ट्रीट लेती है बाबा से, तो हम क्यों ना लें। तो मेरे बच्चे इस मामले में पूरे के पूरे मेरे पे गए हैं, बाकी किसी मामले में नहीं गए। सब कहते हैं कि आपके बच्चे आपके हस्बैंड पे गए हैं। सेम माशाल्लाह से बिल्कुल सेम लगते हैं। आयत तो बिल्कुल मेरे हबी पे मतलब डिट्टो कॉपी है, लेकिन जो अली मुहदीस है ना वो थोड़ा सा मिक्स है। लेकिन ये है कि मतलब दोनों को देख के लगते देखते साथ लोग पहचान जाते हैं कि बस बाबा है। अपनी ऑब्जर्वेशन अपने बच्चों के बारे में बता रही हूँ। तो एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो आयत है ना मेरी बेटी, उसकी जो शक्ल है ना वो रिजेंबलेंस करती है मेरी हस्बैंड की जो अब्बी की शक्ल है। मतलब अगर आप नोट करें, मैं आपको अभी तक फेस रिवील सही नहीं करवा पाई, लेकिन जब कभी करवाया तो अभी की आपको फेस रिवील भी करवाऊंगी। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल मतलब मैं जो मेरी बेटी है ना बिल्कुल अभी की शक्ल ऐसी लगती है कि मेरी अभी की शक्ल और उसकी सेम है। तो मैं कभी कभी ये कहती हूँ कि भाई मेरे पास तो 3-3 हो गए हो। तो जो अली मुहदीस है वो ये है कि अली जो है वो मेरे हस्बैंड की ना मेरे अभी की जो बचपन की कॉपी है। तो मतलब बचपन की भी कॉपी हो गई और जवानी की भी कॉपी होगी। मेरे पास 3-3 कॉपियाँ मौजूद हैं। तो कौन कौन है जो मेरे साथ रिलेट करता है ऐसा, जिसके बच्चे जनाब बिल्कुल डिट्टो कॉपी अपने बाबा की? माशाल्लाह से ऐसा ही होना चाहिए। वैसे सब जो है ना आजकल ऐसा ही हो रहा है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं वो अपने बाबा के ऊपर जा रहे हैं। ज़्यादातर मैंने यही नोट किया, मेरी जितनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में जितने भी बच्चे हैं ना, ज़्यादा जो है ना वो अपने जो है वो बाबा और बाबा की फैमिली पे जाते हैं। वैसे तो हमारी जो फैमिली है वो एक ही है, मतलब मेरी शादी मेरी फैमिली में ही हुई है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूँगी कि मेरी शादी मेरी फैमिली में हुई है, मतलब कज़न के साथ। ये मेरे जो हस्बैंड है वो मेरी पप्पो के बेटे हैं, और मेरी जो पूरी स्टोरी है ना वो अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी किसी भी वीडियो में ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अपनी लव स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूँगी अगर आप सुनना चाहेंगे तो। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या मैं अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे अगर स्टोरी शेयर करनी है तो सुनना भी तो आप सबको पड़ेगा ना, क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मेरी स्टोरी तो चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको और ये बताती चलूँ कि अभी जनाब हम लोग कहाँ पर हैं। अलकूज़ के अंदर है ये बाउंसिंग का एरिया, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों को एक तो सिखाया भी जाता है, ट्रेन भी किया जाता है, और मतलब ये पूरा फुल एरिया एक बाउंसिंग के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। और इस तरफ बहुत से बच्चों की और भी इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। अगर आपको कभी यहाँ पे विज़िट करना पड़े तो आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे ट्रीट दे सकते हैं अच्छी सी। तो अली को बहुत इस तरह की ना चीज़ें करने का बहुत दिल करता है। तो आयत भी जो भी, जैसे कि अब एक बड़ा बच्चा जो भी करे तो छोटा उसके साथ वही करता है, तो आयत को भी सेम वही वाले शौक़ हैं जो अली के हैं ना। तो वो दोनों को जंपिंग बाउंसिंग करने का बहुत बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। वैसे तो प्ले एरिया में सब कुछ होता है, लेकिन जो स्पेसिफ़िक एक जगह होती है ना वहाँ की तो अपनी ही बात होती है। तो यहाँ पर स्पेसिफ़िक एक एरिया बनाया गया जो कि ट्रेन करते हैं लोगों को। यहाँ पर आपको ट्रेनर मिलेंगे, और इसी टिकट के अंदर
आपको ट्रेनर भी साथ ट्रेन भी करेगा और 1 आवर आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन है टिकट एक्सपेंसिव है, आई थिंक अब मुझे याद नहीं है, 100 दिरहम या 85, हाँ 85 के अंदर आपको 1 किड के लिए ये मिलेगा। तो दोनों किड्स के हमने पे किए थे, क्योंकि आयत और अली की एज में उन्होंने बोला इतना डिफरेंस नहीं है, तो हमें दोनों को पे करना है। तो जनाब दोनों को हमने पे किया और मैंने भी लिया और मैंने भी जंपिंग की, क्योंकि जब भी जाती हूँ ना तो बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो जनाब मैंने भी जंपिंग की और बच्चों ने भी खूब सारा फ़न किया यहाँ पे। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। ये एरिया है अलकूज़ के अंदर, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है ना बाद में क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स में, और शायद मैं बताना भी भूल जाती हूँ, तो यहाँ मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ कि अलकूज़ में है ये, अलकूज़ दुबई के अंदर। और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एक पूरा एरिया देखें मिलेगा, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, बड़े छोटे हर किस्म की एज यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, और बच्चों को लेके आइए, इंजॉय करवाइए वीकेंड। One more. Okay, more high. More high. Then that's okay.